इसराइल के हमलों में पूरा लेबनान धधक रहा है। इजरायली सेना ने साफ कह दिया कि अगर हिजबुल्ला ने सरेंडर नहीं किया तो वो लेबनान को दूसरा गाजा बना देंगे। और यही वजह है कि आईडीएफ के हमलों से लेबनान हर सेकंड में धधक रहा है। लेकिन आईडीएफ के हमलों के बावजूद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि वो इसराइल पर और ज्यादा तेजी से हमले कर रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जितनी चोट आईडीएफ हिजबुल्ला को दे रही है, उससे दो गुनी चोट हिजबुल्ला के लड़ाके तेल अवीव पर हमला करके दे रहे हैं। और 14 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला ने तेल अवीव के उपनगरीय इलाके में कई मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा था कि हिजबुल्ला की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन हकीकत में इस हमले में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन अब हिजबुल्ला ने इस हमले का वीडियो जारी किया है और कहा है कि उसने तेल अवीव पर अपनी नई मिसाइलें कादर 2 और नास्र 1 फायर की थी। हिजबुल्ला के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों को 14 अक्टूबर के दिन ही सैन्य बेड़े में शामिल किया गया। हिजबुल्ला ने कादर 2 मिसाइल का जो वीडियो जारी किया उसमें पहले तो हिजबुल्ला के लड़ाके तेल अवीव में टारगेट को चिन्हित करते हुए दिख रही है। इसके बाद हरियाली के बीच एक बहुत बड़ी मिसाइल तैनात होती है जिसे कुछ ही सेकंड्स में फायर कर दिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही ये मिसाइल तेल अवीव में घुसती है, वहां हवाई हमलों के सायरन से हड़कंप मच जाता है। इस वीडियो के साथ हिजबुल्ला ने कादर 2 मिसाइल की खासियत भी बताई। हिजबुल्ला के मुताबिक कादर 2 जमीन से जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हिजबुल्ला के लड़ाकों ने बनाया। ये 5 मीटर के भीतर अपने टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। ये बेहद ही विध्वंसकारी मिसाइल है। इसमें 620 mm कैलिबर मिसाइल है। इसकी लंबाई 8.56 मीटर, कुल वजन 3200 किलो, रेंज 205 किलोमीटर है। यह 405 किलो का विस्फोटक ले जा सकती है। वहीं नस्र 1 को लेकर भी हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक नस्र 1 मिसाइल भी जमीन से ये जमीन पर हमला करने वाली गाइडेड मिसाइल है। यह अहम ठिकानों और बंदरगाहों पर हमला कर सकती है। यह मिसाइल 5 मीटर के भीतर अपने टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बच सकती है, साथ ही एयर डिफेंस के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इस मिसाइल का डायमीटर करीब 302 mm का है। ये 100 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने नासर 1 मिसाइल का भी वीडियो रिलीज किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक पूर्वी नेतन्या के बीत लिट बैरिक्स पर इस मिसाइल को दागा। हिजबुल्ला के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले तो वो सैटेलाइट के जरिए अपने टारगेट्स को चिन्हित करते हैं और फिर इसके बाद हरियाली के बीच नासर 1 मिसाइल लॉन्चर से फायर होकर सीधे इसराइल की तरफ जाती है। आपको बता दें कि जिस दिन हिजबुल्ला ने इन दोनों मिसाइलों को इसराइल पर दागा, उसी दिन उत्तर पश्चिमी हाइफा के स्टेला मारिस नावल बेस पर कई बड़े बड़े रॉकेट गिरे थे और इसी दौरान कारमिल सेटलमेंट पर ताबड़तोड़ बमबारी भी हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला के लड़ाके हरियाली के बीच रॉकेट लॉन्चर को छिपाकर एक के बाद एक रॉकेट फायर कर रहा है। हिजबुल्ला ने इस लॉन्चर को हरियाली के जैसे दिखने वाले एक चादर के नीचे छिपाया है और यही रॉकेट कारमिल सेटलमेंट के बीच में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी पर जाकर गिरते हैं।